हेलो फ्रेंड्स, मोगोरफ और साइंटिस्टों ने फाइनली घोस्ट वेव्स को पकड़ ही लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, कई हजार सालों से चलती आ रही नाविकों की कहानी कि समुद्र के बीच में उन्होंने 11 से 12 मंजिलें बड़ी भूतिया और खतरनाक लहरें देखी है। उन लहरों को वाकई में साइंटिस्टों ने खोज निकाला है। वेल, कैसे और ऐसी भूतिया लहरें आखिर जनरेट कैसे होती है? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट इन टुडेस वीडियो। So well, इन भूतिया लहरों की कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 1909 रात के 8:15 पर। मेलबोर्न शहर जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर है, वहां पर SS वैरेटा नाम की एक विशाल सी जहाज 211 यात्रियों और कर्मचारियों को लेकर लंदन जाने के लिए रवाना हो रही थी। यात्रा की शुरुआत काफी अच्छी थी। दूसरे दिन वैरेटा को साउथ अफ्रीका के पूर्वी तट पर भी देखा गया, लेकिन दो दिनों बाद जब जहाज को लंदन पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंची। जहाज आने का बहुत इंतजार किया गया बट वो वहां पर कभी नहीं पहुंची। इसके बाद ना वैरेटा को किसी ने देखा, ना उस जहाज का कोई मलबा वहां पर मिला। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या हुआ होगा एक 211 यात्री को लेकर जाने वाली इस इतने बड़े जहाज के साथ? क्या उसे सागर ने निगल लिया, या फिर आसमान ने खा लिया, या फिर पायरेटों ने बर्बाद कर दिया? Well, इस पर कुछ नाविकों का यह कहना था कि वैरेटा को एक बड़े विशाल समुद्री वेव ने अपने चपेट में ले लिया और वो जहाज पूरी तरीके से डूब गई। और वो लहर कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, बल्कि इतनी विशाल कि 8 से 9 मंजिले की इमारत भी उसके सामने छोटी लगी। अब ये बात सुनने में कितनी इम्पॉसिबल सी लगती है। वेल, इतनी इम्पॉसिबल कि इसे वैज्ञानिकों तक ने झुटला दिया और कहा कि ये समुद्री राक्षस या जलपरी जैसी कहानी ज्यादा समझ में आ रही है। और वो लोग उस वक्त इस बात को मानते भी कैसे, बिकॉज वैज्ञानिक लोग तो आपको जैसे पता है सबूत देकर ही किसी चीज पर विश्वास करते हैं, और अब तक ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं गई थी। बट वेरी सून आया वो साल जब इस कहानी के ऊपर से पर्दाफाश हुआ। साल 1995, मेरा बर्थ ईयर, वो साल भी था जब इन घोस्ट वेव्स को वैज्ञानिकों ने खुद अपने आंखों से देखा। यूरोप के नजदीक स्थित नॉर्थ सी में मौजूद डनबर ऑयल रिग में उन्हें कुछ ऐसी लहरें देखने को मिली जिसे देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सीरियसली 8 मंजिले बड़ी वेव जिंदगी में पहली बार देखी थी। अब इससे ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो गई कि हाँ, ऐसी वेव्स हो सकती है। बट यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये कहना था कि यार, ये वंस इन अ वाइल कभी हो सकता है, बट ऐसा रेगुलरली नहीं होता, और कई 100 साल में एक बार होने से ज्यादा होना ये संभव भी नहीं है। Well, यहाँ पर भी साइंटिस्टों का ये प्रेडिक्शन सही नहीं निकला, बिकॉज उस एपिसोड के ठीक 5 साल बाद एक ब्रिटिश ओशियनोग्राफर के जहाज को एक ऐसी वेव का सामना करना पड़ा जो इस बार पहले से भी ज्यादा विशाल 11 मंजिले इमारत जितनी बड़ी थी। और इसीलिए देखते ही देखते वैज्ञानिकों ने इन लहरों के पैदा होने से लेकर उनके अंत तक की खोज करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली उन्होंने कई सालों से चली आ रही नाविकों की भूतिया लहरों की कहानियों को सच साबित कर दिया। उन कहानियों को सच साबित करने के लिए इस बार वैज्ञानिकों ने 2004 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। उन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने समुद्री लहरों पर अपनी निगाहें बनाई, एंड गेस व्हाट, क्या सामने आया? Well, इससे भी बिल्कुल यही बात प्रूव हुई कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी, बल्कि ये 100% सही था। फैक्ट, ऐसी लहरें आना काफी आम है। निगरानी के वक्त ही उन्हें 10 ऐसी लहरें मिली थी जो 82 फीट यानी 8 मंजिले इमारत जितनी ऊंची थी। एंड ये बात सुनकर ऐसा कदापि मत सोचो कि बाकी लहरों की तरह एकदम नॉर्मल सी लहरें होंगी। यूरोपियन जियोसाइंसेस यूनियन ने इन विशाल वेव्स को घोस्ट वेव्स या रोग वेव्स कहा, और साल 2006 से 2010 तक इन पर इन डेप्थ रिसर्च की, और उन्हें ये पता चला कि उन 4 सालों में 113 बड़ी लहरों में से 78 रोग वेव्स थे, और उन 78 लहरों ने अकेले ही 23 जहाज डुबाए, 116 लोगों को घायल किया और 118 लोगों की जानें ले ली। एंड अब आप ही बताओ, जब ये वेव्स इतना आतंक मचाएगी तो लोग इसे कोई अच्छे नाम से तो नहीं बुलाएंगे, राइट? और बस इसीलिए इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया, जैसे कि किलर वेव्स, घोस्ट वेव्स, फ्रीक वेव्स, मॉन्स्टर वेव्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और नाम के साथ साथ साइंटिस्टों ने ये वेव्स आखिर बनती कैसे है उस पर भी काफी इनडेप्थ रिसर्च कर ली है, और उन्हें लगभग ये पता चल ही चुका है कि बनती कैसे है, लगभग, राइट? थियरी नंबर 1, ये वेव्स बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और थियरी नंबर 2, ये वेव्स बनती है आंधी या फिर स्टॉर्म से। तो चलो अब जरा एक्सप्लोर करते हैं कि ये दो रीजंस कैसे हो सकते हैं इनके पीछे। तो चलो शुरू करते हैं पहली थियरी से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक वैज्ञानिक टर्म है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या साउंड और बाकी सभी वेव्स को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेसिकली एक वेव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पहला क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ। अब मान लो 2 वेव्स इंटरफेयर कर रही है, और इंटरफेरेंस के वक्त उन दोनों
दोनों के क्रेस्ट एक साथ और ट्रफ एक साथ इंटरफेयर करते हैं। सो अब इससे होगा ये कि क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलके एक बड़ा क्रेस्ट और ट्रफ मिलके एक बड़ा ट्रफ बनाएंगे, यानी कि एक बड़ी वेव। और बस यही चीज समुद्री लहरों के साथ भी हो रही है। समुद्र में काफी सारी लहरें एक साथ उठती है, तो ये होना जायज है कि बहुत सारी वेव्स एक साथ इंटरफेयर होके एक बड़ी सी वेव में तब्दील हो जाए। सो दिस वॉज थियरी नंबर वन। अब बात करते हैं थियरी नंबर टू की, यानी कि स्टॉर्म और आंधी। इसमें भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही वेव तैयार होती है, बस उन वेव्स को स्पीड देकर और ज्यादा खतरनाक बनाती है हवा। जरा सोचो, 11 से 12 मंजिले बड़ी लहर आपकी ओर बढ़ रही हो और वो भी 25 से 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो आपका क्या हाल होगा? वेल, ऐसी लहर जब जहाज से टकराती है तो इमेजिन करो उन जहाजों का क्या होता होगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात कि ये किलर वेव्स भी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग टाइप्स के देखे गए। नंबर वन, थ्री सिस्टर्स रोग वेव, और नंबर टू, द होल इन द सी वेव। थ्री सिस्टर्स रोग वेव की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में एक बड़ी लहर अकेले अकेले नहीं आती बल्कि तीन तीन के झुंड में आती है और ट्रिपल ट्रबल कॉज करती है। मतलब जरा सोचो कि ये 10 मंजिला ऊंची तीन वेव्स एक के बाद एक किसी जहाज को बार बार टकराए, तो अब उस जहाज का क्या हाल होगा? और ये भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि ऐसी एक विशाल लहर को 30th नवंबर 2018 में वैज्ञानिकों ने एकोफिस्क, जो कि सेंट्रल नॉर्थ सी के पास है, उन्होंने SAABREX रेडार पर खुद से देखा था। अब आते हैं सेकेंड टाइप पर, द होल इन द सी। ये टाइप भी बाकी रोग वेव्स की तरह है, जिसमें भी लहरें 12 मंजिले ऊपर उठती है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ताकतवर जहाज इसे पार कर ले तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि as we all know, लहरों का शेप कुछ ऐसा होता है, और जैसे ही कोई जहाज किसी वेव के टॉप पर पहुंचेगी तो उसके सामने पानी नहीं बल्कि किसी पहाड़ से दिखाई देती गहरी खाई के जैसा व्यू दिखेगा। मतलब अगर जहाज आगे बढ़ा तो वो सीधा 80 से 90 फीट ऊपर से नीचे गिरेगा, यानी कहानी वहीं पर खत्म। हालांकि आज भी ये खतरा नाविकों पर मंडराते रहता है और हम इन खतरों को रोक भी नहीं सकते, बट हाँ टाल जरूर सकते हैं। अगर नाविकों को पहले से ही पता हो कि जर्नी के दौरान उन्हें खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ सकता है, तो क्रूज कंपनी CSCL ग्लोब, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जहाज है, वैसे जहाजों को भेज सकती है। और दूसरे खतरे की हम बात करें, यानी कि जियोग्राफिकल डिजास्टर, जैसे कि आइसबर्ग्स जिसे टकराकर टाइटैनिक डूबा था, ऐसे खतरों से भी कैसे डील किया जाए वो भी हमें सोचना होगा। अब टोपोग्राफी को तो हम बदल नहीं सकते, वो तो वही की वही रहेगी, और इसीलिए नाविकों को ही अपना रूट इन सारे ज्योग्राफिक टोपोग्राफीज को ध्यान में रखते हुए ही बनाना चाहिए। इसे ऐसे समझो, अगर कोई जहाज पैनामा कैनल को पार करना चाहे, जहां मैक्सिमम शिप वेट लिमिट 4600 टन से कम है और आपके जहाज का लोड 4800 हो गया है, तो नाविकों को ऐसे कंडीशंस को समझकर दूसरे सुरक्षित और कंपैटिबल रूट से जाना चुनना चाहिए, बजाय उसी रास्ते से इलीगली जाने से, क्योंकि यहां से जाना एक बड़े एक्सीडेंट को न्योता देना होगा। और अब जहाजों को तीसरा खतरा टेक्नोलॉजी से होता है, जैसे कि शिप में कोई टेक्निकल खराबी, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्ट का या फिर GPS का या फिर इंजन का ही फेल हो जाना, और इस वजह से जहाज का डूब जाना। अब ऐसे खतरों को जहाज के सफर शुरू होने से पहले, यानी जहाज के निकलने से पहले ही अच्छे से जांच पड़ताल करके ही फिक्स किया जा सकता है। और शिपिंग कंपनीज को ऐसे हादसों से बचे रहने के लिए अपने जहाज को नई टेक्नोलॉजी से अप टू डेट भी रखना चाहिए। एंड वेल, समुद्र का इतना डरावना रूप देखकर आई एम श्योर आप लोग के दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि समुद्र दिखने में तो कितना काम और पीसफुल लगता है, लेकिन इसके अंदर कितने राज छुपे होंगे। एंड मेनी साइंटिस्ट आल्सो से कि समुद्र का अब तक हम सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए। जस्ट टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, स्पेस का हम ज्यादा जानते हैं और हम ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए हैं एज कम्पेयर टू समुद्र का। एंड दिस फैक्ट ओनली हाइलाइट्स हमें और कितना जानना बाकी है इन महासागरों को। विद दैट सेड फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रह सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।